तो आज मैं जो हूँ वो कुंजल क्रिया करने जा रहा हूँ, और कुंजल क्रिया भारतीय आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा आप क्रिया कह सकते हैं, और ये एक तरह से योग भी हो सकता है, जो कि आपके आपके अंदर जो पाचन शक्ति है उसे मजबूत करती है, और पेट में जो भी कुछ विषैली चीज़ें अगर जमा हो गई हैं, पित्त या फिर बहुत सी चीज़ें, तो वो सभी भी आपको इससे निकल जाती हैं। और कुंजल क्रिया मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए पहले मैंने जो है वो गर्म पानी कर लिया है, और अभी गर्म पानी आप देख सकते हैं, ओके। और इसके बाद जो है वो सारी क्रिया मैं आपको बताऊंगा, और जो बाद में निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और ज़रूर आपको आप भी ये कब कब कर सकते हैं, तो इसकी बात मैं बता दूँ कि आप जो है इसे सप्ताह में एक बार या फिर महीने में दो बार भी आप कर सकते हैं। अगर सप्ताह में एक बार हो सके तो सही है, वरना आप महीने में जो है उसे दो बार कर सकते हैं, और इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। और मैं इसे महीने में मिनिमम एक बार तो कर ही लेता हूँ, ओके। और फिर जो इस बार मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ शेयर करूँ, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ, पहले मैं नहीं बनाता था लेकिन मैं करता था, ओके। और ये जो है ये इस बात का मोटिवेशन मुझे बाबा रामदेव से मिला है, और बहुत सारे ऐसे गुरु जो हैं वो आपको यूट्यूब से ही मैंने भी सीखा है। तो आई होप कि आप भी इसे ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल बहुत है, लेकिन करने के बाद जो है वो अगर दो चार बार कर लेते हैं तो फिर आपकी हैबिट हो जाती है। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने, पहले पानी जो गर्म हो रहा है वो दिखा देते हैं, और उसके आगे की प्रक्रिया भी दिखाएंगे। तो चूँकि ये जो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर ले, तो पहले मैं यहाँ पे पानी को गर्म कर लेता हूँ, और बीच बीच में आपको पानी को जो है वो गुनगुना रखना है, ओके। बहुत ज़्यादा जो है वो आपको गर्म नहीं रखनी है, ताकि आप ऐसा नहीं जो पी नहीं पाओ। और इसमें जो है नमक मैंने मिलाया है आधा चम्मच, आप अपने अनुसार से मिला सकते हो, जितना ज़्यादा आप नमक रखोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको उल्टी होगी, ओके। तो मैंने आधा चम्मच रखा है नमक, आप मतलब 1/4 3/4 नमक रख सकते हो, या फिर आप जो है वो एक चम्मच भी अच्छा से रख सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने देख लिया, अराउंड 4 to 5 ग्लास में मैंने इतना नमक रखा। और उसके बाद मैंने जो है ये गैस को बंद कर दिया है। एक बार अंतिम में फिर आप चेक कर ले कि इतना पानी जो है पी सकते हो या नहीं, ओके। और तब फिर फाइनली जो है वो पानी को आप जो है वो उतार ले। तो ऐसा ही करना है, ये जो है वो पानी गर्म हो चुका है पतीले में, और इसे मैं इसमें मैंने नमक भी मिला दिया है आधा चम्मच, और ये जो देख सकते हैं आप कि इसे मैं मिला लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है कैमरा, इसलिए मैं दोनों हाथ नहीं यूज कर पा रहा हूँ। और देखिए ऐसे जो है एक बार आप इसे मिला ले, ओके। 3 से 4 ग्लास पानी जो है वो आपको गर्म करनी है, ताकि जो है वो आप अच्छे से पूरा पेट भर, मतलब इतने पानी पीना है आपको कि उल्टी आने लगे, और उल्टी ही करनी है फिर आपको कुंजल क्रिया में, ओके। तो यही जो है वो कुंजल क्रिया का मेन मकसद है। और ये जो पानी है गुनगुना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ओके, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और लेकिन गुनगुना है, ओके, नॉर्मल पानी से गर्म है। और इसमें नमक भी मैंने मिला दिया है, क्योंकि नमक से जो है वो उल्टी होती है, तो इसलिए नमक से जो है ज़्यादा अगर नमक आपको खा लोगे तो आप उल्टी होने लगी, तो इसलिए मैंने जो है वो ये पानी रख लिया है। और अब मैं चलता हूँ ये आपको दिखाते हुए, थोड़ा सा वीडियो अकेले मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं पानी जो है वो पीने वाला हूँ, और ढेर सारा पानी पीने के बाद जो है मैं उल्टी करने वाला हूँ, ओके। शायद आपने पहले ऐसा नहीं देखा होगा, देखिए ये सभी जो है इसमें मैं ये पानी पीऊँगा, इतना पानी जितना हो सके पीऊँगा मैं, और इस बाल्टी में जो है वो मैं उल्टी करूँगा, और कैसा अंदर से निकलता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए पहले तो मैं पानी जो है पीता हूँ, ओके। और जो बैठने का तरीका है, ओके, बैठने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको ऐसे, देखिए बैठना आपको ऐसे है, ओके, ऐसे बैठना है ताकि आप जो है वो अच्छे पोस्चर में बैठ पाएँ। और ये जो है तार तार जो है वो माइक है जिससे आवाज़ें जाती हैं, तो ये जो है ऐसे बैठने का तरीका है, ओके। आपको ऐसे पैर करके बैठ जाना है, आप देख सकते होंगे, ओके, और ऐसे ही बैठना है आपको। और जब उल्टी करनी है तो ऐसे करनी है, ओके, ऐसे आपको उल्टी करनी है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, और हो सके तो पेट भी जाता है आपको, ताकि आपकी जो है उल्टी बढ़िया से हो, ओके। तो पहले मैं पानी ढारता हूँ और पीता हूँ, ओके। ये रहा पहला ग्लास, एक ग्लास मैंने पी लिया,
अब ये रहा दूसरा ग्लास, ओके दूसरा ग्लास। दो ग्लास हो चुका है, ये तीसरा ग्लास। मैंने चार ग्लास का आंकड़ा लिया था लेकिन पानी कम पड़ गया है, प्लीज़ आप पानी ज़्यादा लेके बैठे। ओके पानी थोड़ा कम हो गया है, मैं थोड़ा और पानी लेके आता हूँ। ओके अब मैं और पानी लेके आया हूँ और भी पानी जो है वो मैं ग्लास में रखता हूँ। आप लोग पानी बहुत ज़्यादा लेके बैठे, मैं मतलब कम से कम 5 ग्लास पानी, ओके, ताकि पानी की कोई कमी नहीं हो। ओके चार ग्लास पानी मैंने पी लिए, 5वां पीने जा रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाती है लेकिन, ओके लगता है मरने जैसा, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो। पांच ग्लास पानी पीने के बाद जो भी थोड़ा थोड़ा उल्टी जैसा आ रहा है और मैं उल्टी करने वाला हूँ, जरा बढ़िया से नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी देखिए, हल्का सा पेट को जो है वो आप दाबेंगे, ओके, और ऐसे झुक के मुंह में उंगली डालना, आंखें लाल हो जाती हैं, पूरा पानी निकल चुका है, मेरी आँख से आंसू निकल रही है, आँख भी थोड़ी लाल हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो। और क्या निकला है, पूरी पानी जो मैंने पी थी, आई होप वो दिखाई दी होगी, और मैं ठीक से भी बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे माफ़ करना, लेकिन हालत ऐसी ही हो जाती है भाई। ओके और थोड़े कफ ये सब भी निकले हैं, बाल्टी में मैंने चूंकि किया था तो और भी अच्छा जो है वो आपको दिखाई दे पाऊँगा, तो थोड़ा सा ख़राब देखने में लग सकता है लेकिन उतना भी नहीं रहता है, मीन्स थोड़ी सी अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। ओके और पहला बार जो मैंने किया था अभी से 2 साल पहले, यानी मैं 2018 में किया था पहली बार, और उसके बाद मैं लगभग हर महीने करते आ रहा हूँ तो आदत हो चुकी है। ओके शायद बाल्टी में आपको देख पा रहे होंगे, ओके तो बस एक ये जो है, ओके यहाँ पे जो है ये एक कफ बाहर आया है, और पानी का जो रंग है, ओके ये ब्लू बाल्टी है इसलिए उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, अगर ये सफ़ेद बाल्टी होता तो थोड़ा सा आप दिख पाते कि हल्का सा जो है ये पानी जो है वो पीलापन पे आता है। ओके तो जो अंदर की आपकी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, और हल्का सा जो है कुछ आपके अंदर का जो गंदगी चीज़ें हैं वो सभी भी बाहर आ जाती हैं, तो ये जो है पानी है उतना भी इसमें मैं क्लियरली आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गिलास में रखता हूँ तो नहीं, गिलास में भी उतना ही अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बाल्टी फिर मुझे सर्फ से भी साफ़ करनी पड़ेगी। ओके और ये आपके लिए मैंने बाल्टी में रखा है, लेकिन देखिए लगभग इतना सारा मतलब यहाँ तक अगर बाल्टी के लेवल में बताऊँ तो इतना लगभग ये 10 लीटर का बाल्टी है, और यहाँ तक लगभग 2 से 2.5 लीटर जो है पानी यहाँ पे आ चुकी है, और ये जो है कुंजल क्रिया मैंने आपको करके बताया, और
तो आई होप कि ये जो कुंजल क्रिया का जो मैंने करके दिखाया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि बोलोगे कि भाई मैंने देखा था ये जब लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो नहीं करने का मन मत करना, लेकिन आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो तो आप करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बाय बाय।